press the bell icon on the YouTube app and never. मुसलमान भूखे मर रहे हैं, मुसलमान नंगे हैं, मुसलमानों के पास खाने खाने को नहीं है, मुसलमान के पास नौकरी नहीं है, मुसलमान बेचारे सांस नहीं ले पा रहे हैं, मुसलमान बेचारे पानी नहीं पी पा रहे हैं, मुसलमान के सर पे छत नहीं है, मुसलमान के पेट में चावल नहीं है, मुसलमान के बदन पर कपड़ा नहीं है। तो एक तरफ ये कह रहा है और दूसरी तरफ जब पता चलता है कि भाई साहब, मैं आपको रेवेन्यू बता देती हूँ, 2000 करोड़ का रेवेन्यू वक्फ बोर्ड को आता है सालाना। सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी को, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, दमदार और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। असदुद्दीन अवैसी शिवाजी महाराज की तारीफ इसलिए कर रहा है क्योंकि असदुद्दीन अवैसी की चोरी पकड़ी गई है। वक्फ की संपत्ति में 3000 करोड़ की संपत्ति वो लेकर के ग्रैब करके चोरी करके बैठा हुआ है, जिसके आंकड़े, जिसका डेटा, जिसका पूरा डिटेल्स अब पार्लियामेंट के उस कमेटी के हाथ में है जहां से छुपना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब कहीं ना लोग उठ करके उसको पत्थर मारें, कहीं ना लोग उससे सवाल करें, कहीं ना वो मुसलमान जो संवैधानिक मुसलमान है, कहीं ना वही उससे सवाल कर बैठे कि तुमने तो हमारा भी हक मार लिया असदुद्दीन अवैसी, तुमने तो हम मुसलमानों का भी हक मार लिया। क्योंकि वक्फ बोर्ड ब्रिटिश ने क्यों बनाया था? ब्रिटिश ने बनाया था मुस्लिम सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है? मुस्लिम सोशल वेलफेयर के लिए जब ये वक्फ बोर्ड बना था तो इस वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी संपत्तियां आती थी उसके रेवेन्यू के हिसाब से मुसलमानों के फलाह और बहबूद और मुसलमानों को रिफॉर्म करने के लिए, मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए, मुसलमानों को सारी फैसिलिटीज देने के लिए ये मुसलमान कम्युनिटी के कुछ ठेकेदारों के हाथ में ही छोड़ दिया गया। इसको सरकार ने अपने अंडर कंट्रोल नहीं लिया कि आप मुसलमानों का भला कीजिए। अब एक तरफ असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि मोदी के राज में मुसलमान भूखे मर रहे हैं, मुसलमान नंगे हैं, मुसलमानों के पास खाने खाने को नहीं है, मुसलमान के पास नौकरी नहीं है, मुसलमान बेचारे सांस नहीं ले पा रहे हैं, मुसलमान बेचारे पानी नहीं पी पा रहे हैं, मुसलमान के सर पे छत नहीं है, मुसलमान के पेट में चावल नहीं है, मुसलमान के बदन पर कपड़ा नहीं है। तो एक तरफ ये कह रहा है और दूसरी तरफ जब पता चलता है कि भाई साहब, मैं आपको रेवेन्यू बता देती हूँ, 2000 करोड़ का रेवेन्यू वक्फ बोर्ड को आता है सालाना, 2000 करोड़ का सालाना। सारी दुनिया में इंक्लूडिंग, अच्छे से गौर से सुनिएगा, सारी दुनिया में इंक्लूडिंग 57 मुस्लिम मुल्क, वक्फ बोर्ड की संपत्ति सबसे ज्यादा भारत के पास है। और जो कोई भी मुझे इस बारे में कटाश करना चाहता है वो पूरे डेटा के साथ मुजफ्फर भाई के चैनल पर आकर के बैठ करके मुझसे बहस कर ले, क्योंकि मैंने अपना रिपोर्ट पूरी दुनिया का निकाल करके, यहां तक के सऊदी अरबिया से भी, क्योंकि वक्फ जो है वो वहां पर मिनिस्ट्री में आता है, अलग से कोई बोर्ड नहीं है, पूरी दुनिया का निकाल करके मैंने जेपीसी को भेजा है, मैंने माइनॉरिटी मिनिस्टर के दफ्तर में भेजा है दिल्ली में, और मैं अभी भी दिल्ली में बैठी हुई हूं। मैंने खुद जा करके जमा किया है दफ्तर को 57 मुस्लिम मुल्कों का डेटा, और इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज का डेटा, वो तो वक्फ कुछ मानते ही नहीं है, फॉरेन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज तो मानते ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है वो भारत के पास है। और पंजाब, जहां पर पंजाबियों का की जगह है, जिस पंजाब को काफी लोग जो हैं वो अलग एक देश बनाने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज पर उतर आए हैं, उनको सबसे पहले पंजाब बचाने की जरूरत है। क्योंकि वक्फ बोर्ड के बोर्ड मेंबर ने एक साल पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आधा से ज्यादा पंजाब वक्फ की संपत्ति है।
इतना अमीर है आपका बकमोर जी। कई गुरुद्वारा पर मुसलमानों ने यह दावा ठोका हुआ है कि यह गुरुद्वारा भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ठीक है, अब आती है दूसरी बात। अच्छा, जो जो मजारात की आपने बात की, उससे भी जो मजारों के ऊपर जो लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं, वहां पर पैसे देते हैं, वो भी इसमें शामिल तो नहीं हो गए? वो तो अलग से इनके पास होगा ना, वो सारी इनकम जो आती है। नहीं, फिर उसकी एक अलग कमेटी है। अच्छा, वो मजारों का जो आमदनी होता है, इजी इनकम, उसकी एक अलग कमेटी है। मैं अजमेर शरीफ दो बार गई, मुझे बड़ा मजा आता है अंदर का भेद जानने का, तो मैं अजमेर शरीफ दो बार गई थी। और मेरे इंस्टाग्राम पे आप पिक्चर्स भी देखेंगे कि मैं धागा वागा बांध रही हूँ, मैं दुआएं मांग रही हूँ, तो सारी पिक्चर्स। तो अजमेर शरीफ में जब दो बार गई, तो चिश्तिया परिवार के कुछ चिश्तिया परिवार तो बलात्कारी भी है जो जेल में है, और जो 1992 अजमेर शरीफ हुआ था जिसमें न्यूड फोटोशूट अजमेर में हो रहा था, तो जब मैं अजमेर शरीफ गई तो चिश्तिया परिवार का एक बंदा मेरे पास आया, क्योंकि प्रोटोकॉल मुझे मिला था और वहां पर पुलिस पोस्टिंग मुझे मिली थी, जो फोटोज इंस्टाग्राम पर है भी। तो वो लोग बेचारे लोग आए कि नाजिया जी, आपको एकदम वीआईपी तरीके से हम लोग मतलब जियारत करवाएंगे। मैंने कहा अरे वाह, इस्लामिक जगह पर और मजहबी जगह पर भी वीआईपी जगह वीआईपी ट्रीटमेंट भी होता है, वेरी वेल। तो उसके बाद फिर जियारत में वो मेरे ख्याल में आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते होंगे कि कहीं आप कुछ ऐसी चीजें ना वहां पर देख लें जो आपको नहीं देखनी चाहिए। ये भी हो सकता है, तो एकदम सही पकड़े हैं आप। तो उसके बाद फिर मैं मुझसे कहा कि आपने जो मन्नत मांगी है नाजिया जी, वो जरूर पूरी होगी आपकी, और उसके बाद आप यहाँ पर चांदी का एक गेट लगवा दीजिएगा। मैंने कहा कितने का आता है भैया? तो कह रहा है यही 16-17 लाख रुपए का। मैंने कहा किडनी बेच के लगवाऊंगी क्या? किडनी बेचूंगे क्या? कहाँ से लाऊंगी मैं 16-17 लाख रुपए? मैंने कहा वैसे कितने लोग लगवा लेते हैं ये गेट? तो कह रहा है साल भर में कम से कम भी तो मैडम 1 लाख से ऊपर लोग ये गेट लगवाते हैं, क्योंकि उनका मन्नत पूरा होता है। अब चलिए सिर्फ गेट से कैलकुलेशन करिए, सिर्फ गेट से कैलकुलेशन करिए कि 1 लाख से ऊपर लोग गेट चांदी का लगवा रहे हैं जिसमें 16-17 लाख रुपए लगता है। अब वहां से कैलकुलेशन मारिए, एक एक चादर, मैंने उसको पैसा दिया था 7,500 रुपए, जिसमें एक फूल का चादर था, एक मखमल का चादर था और कुछ फातिहा का वो शीरनी वगैरह था, नान खताई वगैरह, 7,500 रुपए मैंने दिया है कैश गिन करके। अब ये चादर से कितना इनकम हो रहा है इनका, ये एक अलग कमेटी है। मुजाबिर जो अजमेर शरीफ में मुजाबिर है, उनके पास मर्सिडीज है, उनका अपना बंगला है जयपुर में, उनके अपने अलग से कारोबार चल रहे हैं, उनका अपना होटल्स है, उनका अपना रिजॉर्ट है, उनके अपने होटल्स खुले हुए, उनका अलग से कारोबार चल रहा है। और वो लोग जाहिल झपट अंगूठा छाप, 2 लाइन अंग्रेजी नहीं आती, अरबी नहीं आती, खैर अंग्रेजी तो छोड़े दीजिए, वो हमारे भारत का है ही नहीं लैंग्वेज, लेकिन मैंने अरबी में बात की है, वो अरबी भी नहीं जानता था, वो कहा कि आप नॉर्मल उर्दू में बात कीजिए। मैंने कहा मुझे ऐसा लगा कि मैं इतने खूबसूरत वातावरण में आई हूँ, मैं इतनी खूबसूरत मजहबी जगह पे आई हूँ, तो आप लोग सबको अरबी भाषा आती होगी? तो नहीं नहीं हमें तो अरबी नहीं आती है। तो अब आप ये सोचिए, अब आती है बात कि इन अभी अवेसी इसलिए घबराया हुआ है और डरा हुआ है, क्योंकि 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने 123 बड़ी प्रॉपर्टी मुसलमानों को वक्फ बोर्ड को गिफ्ट किया था, ताकि भारत की इस संपत्ति को दे करके वो मुसलमानों का वोट ले सके और अपनी सरकार वो 2014 में भी बना सके। बट अनफॉर्चुनेट जो मुसलमान होता है उसने वही शक्ल दिखाया अपना, और मोदी जी की सरकार आ गई, क्योंकि मुसलमान तो लेना बैंक होता है, देना बैंक तो अब कभी होता नहीं है। तो इस 123 बड़ी प्रॉपर्टी में जेपी हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी, रामलीला मैदान के करीब की प्रॉपर्टी, इंडिया गेट जो दिल्ली का इंडिया गेट है उसके आसपास की प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर ओल्ड पार्लियामेंट के आसपास की बड़ी प्रॉपर्टी, और इस तरीके से 123 बड़ी प्रॉपर्टी सोनिया एंटोनियो, राहुल गांधी ने जाकर के मनमोहन सिंह जी के साथ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो यासीन मलिक के साथ दस्तरखान पे बैठा करते थे, जिहादी और आतंकवादी के साथ खाना खाया करते थे,
ये तीनों जाकर के वक्फ बोर्ड को उन्होंने 123 बड़ी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया था। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि इलेक्शन से पहले ये प्रॉपर्टी कैसे ये गिफ्ट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि साफ समझ में आ रहा है। अब ये मैटर अभी तक कोर्ट में चल रहा है। अब आती है बात कि असदुद्दीन अवैसी परेशान है कि भाई कांग्रेस जिस हिसाब से मुस्लिम लीग 2.0 बन चुका है, कांग्रेस जिस हिसाब से बाबर के कब्रिस्तान का मुरीद बन चुका है, कांग्रेस जिस हिसाब से यासिन मलिक का अब स्लीपर सेल बन चुका है, तो अब असदुद्दीन अवैसी को लग रहा है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और हमारे देश में आजादी से लेकर के 53-54 साल अकेले कांग्रेस ने शासन किया है देश में, तो इतनी बड़ी पार्टी अगर ऐसे लुच्चे झुट्टे आवारा बेहुदा लफंगा बलात्कारी घुसपैठियों को अगर कांग्रेस डायरेक्ट समर्थन करती है, तो मुसलमानों का जो अफेक्शन अवैसी की तरफ था, जो इंट्रैक्शन अवैसी की तरफ था, वहां से सरकता हुआ चला जाएगा। क्योंकि मुस्लिम को भी तो लगेगा ना कि हम अवैसी की छोटी सी पार्टी जिसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम उसको समर्थन करके क्या ही मिलेगा मुझे, तो इट्स बेटर कि हम राहुल गांधी को सपोर्ट करें। अवैसी एक एक स्टेट के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिर्फ नेता है, लेकिन राहुल गांधी इस देश के विपक्षी दल का नेता है, बड़ा नेता है, और गांधी परिवार का आखिरी चश्मो चिराग है, जिसके कनेक्शन चाइना से हैं, जिसके कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से हैं, जिसका एडवाइजर जो है वो सैम पित्रोता है, जो उज़्बेकिस्तान में जाकर के तालिबानियों और जिहादियों से मिलकर के चला आता है, जो स्विट्जरलैंड में जाकर के छुप करके कुछ ऐसे उपद्रवी और ऐसे जिहादियों से मिलकर के आता है जो देश का हमेशा बुरा चाहते हैं। तो मुसलमानों, भारत के मुसलमानों को अब ऐसा लग रहा है कि अवैसी को साइड करो, अवैसी को इग्नोर करो और राहुल गांधी को अपना नेता बना लो। तब क्या है कि मुसलमान भारत के बड़ा से बड़ा भी क्राइम करेंगे, बड़ा भी मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज, जिहादी एक्टिविटीज, तालिबानी एक्टिविटीज करेंगे, तो राहुल गांधी क्योंकि बड़ी पार्टी लेकर के चल रहा है तो वो उसको सेव करेगा। इसलिए असदुद्दीन अवैसी अभी छटपटा रहे हैं, परेशान। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने वक्फ बोर्ड की सच्चाई बताई, जिसने भारत देश की लाखों एकड़ जमीन पे अपना कब्जा जमाया हुआ है, इनफैक्ट जो आधे पंजाब को अपना मानता है और कई गुरुद्वारों और मंदिर पे भी अपना हक जमाता है, और जब से वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून आया तब से ओवैसी काफी ज्यादा परेशान है। तो आपने देखा नाज़िया खान जी ने न सिर्फ वक्फ बोर्ड को बल्कि ओवैसी जैसे जितने भी मजहब के ठेकेदार हैं उन सबकी पोल खोल के रख दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।